गाजियाबाद एसएसपी सुधीर कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे बदमाशों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस को उस समय सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो कि लोगों को कॉल सेंटर के जरिए LIC का झांसा देकर उनसे ठगी किया करते थे। पकड़े गए शातिर ठगों से पुलिस ने 19 लाख नगद, 18 मोबाइल, 4 बड़े मोबाइल और 4 रिसीवर बरामद किए हैं। सर, एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया है, क्या है? ये थाना विजयनगर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कल कि प्रताप विहार सेक्टर 12 में एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है, जिसके माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है। इसी सूचना पे कल देर रात में विजयनगर पुलिस की पूरी टीम गई और वहाँ से 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इसमें से 3 अलग अलग, सोनू, बलराम और अमन नाम है इनका। इसमें सोनू और बलराम मूल रूप से बिहार के बक्सर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा व्यक्ति यहीं का रहने वाला है जो अमन है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो बीमा पॉलिसी धारक होते हैं, इनके उन्होंने लिस्ट सेल्समैन के माध्यम से प्राप्त की थी और उनकी सूची बना करके जो अधिकांशतः पैसा अपना किसी माध्यम से बीमा का वो नहीं चुका पाते हैं, तो इसमें से उनको उन्होंने टारगेट किया। विशेषकर उड़ीसा जिले के, मतलब उड़ीसा राज्य के ही अधिकांश पब्लिक को इन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी की थी, जो इनके द्वारा बताया गया लगभग 1000 लोगों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है और इससे फिर नई पॉलिसी ये खुलवा करके लगभग आधा कमीशन इससे प्राप्त करते थे। यही इनका ये पूरा कार्यप्रणाली थी। पहले भी ये नोएडा में भी काम कर चुके थे एक साथ और इन्होंने ये पूरी प्लानिंग बनाई थी और ये प्रताप विहार में लगभग 1 साल से ये फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। अभी इनसे पूछताछ और की जा रही है, हो सकता है इसमें कुछ और लोग भी सम्मिलित हों या दूसरे जिले के भी लोग हों। अभी इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से जो अधिकांश लोगों से ठगे हुए लगभग 1,90,000 रुपये, कुछ मोबाइल बरामद हुए, लेटर हेड बरामद हुए हैं। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, हो सकता है इसमें कुछ और भी लोगों के नाम प्रकाश में आए।